एक गांव में एक अमीरों का बंगला और एक गरीब की झोपड़ी अगल बगल में ही थे। अमीर आदमी चंदूलाल और गरीब आदमी किशन दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। चंदूलाल के गहनों की दुकान थी। किशन अपने खेत में खेतीबाड़ी करता था। बचपन में चंदूलाल अच्छा ही था, मगर बड़ा होने के बाद उसे पैसों का घमंड बहुत बढ़ गया। जब भी मौका मिलता तो वो किशन का अपमान करते ही रहता था। एक बार चंदूलाल के बेटी के बर्थडे के दिन किशन अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहां आया। किशन चंदू के बेटी को एक गिफ्ट बॉक्स देकर हैप्पी बर्थडे बेटी कहा। चंदूलाल तुरंत उस बॉक्स को लेकर हिला के देखकर क्या भाई किशन, बॉक्स में कोई गिफ्ट है या सिर्फ पत्थर रख कर लाए हो? भाई मैं तो मजाक कर रहा था, जाओ जाकर पेट भर के भोजन करके जाना, तुम लोग उसी लिए तो आए हो ना। कहते ही वहाँ मौजूद सब जोर से हंसने लगे। इससे किशन परिवार को बहुत अपमान महसूस होकर बिना भोजन किए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन जब किशन खेत जोत रहा था तब उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वो रुककर चारों ओर देखने लगा। तब हवा के जैसे अस्पष्ट रूप से किशन के अंदर से एक आकार बाहर आकर किशन को देखते हुए हंसने लगा। किशन घबरा कर भूत 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 कहकर जोर से पुकारा। तब पड़ोस खेत वाला मुड़ के उसे देखकर क्या हुआ, ऐसे क्यों पुकारे, भूत कहाँ है कहकर पूछा। किशन तब यही मेरे ठीक सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या पूछा। वो तब पागल हो गए हो क्या, सुबह सुबह चली गई है कहकर अपना काम देखने लगा। तब वो आकार मैं जिसे दिखना चाहूँ उसी को ही दिखूंगा, मैं भूत नहीं हूँ कहा। किशन तब क्या तुम भूत नहीं हो, तो कौन हो कहा। तो वो आकार मैं तुम्हारा दुर्भाग्य हूँ, तुम्हारी गरीबी मेहनत परेशानी दुख इन सब का कारण मैं ही हूँ। तुम्हें देखे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, तुम्हारे स्थिति को देखकर तो कहा। तो किशन को गुस्सा आया, तुम्हें शर्म नहीं है क्या, मेरे परेशानियों को देखकर हंसोगे, बचपन से मुझे बिना छोड़े मुझसे चिपक गए ना, तुम्हारे वजह से ही मुझे इतनी परेशानियां हैं, अब तुमसे मुझे कोई काम नहीं है, मुझे छोड़कर चले जाओ कहा वो दुर्भाग्य तब। क्यों भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं सब में रहता हूँ, जब भाग्य तुम्हारे पास आएगी तो मैं खुद चले जाऊंगा, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है ये बताने के लिए ही बाहर आया हूँ कहा। किशन तब क्या ये सच है, आहा कितनी खुशखबरी सुनाए, मेरी किस्मत कब बदलने वाली है बोलो बोलो कहा दुर्भाग्य। अबा उतावले मत हो भाई, मेरे साथ आओ दिखाता हूँ कहा। किशन ठीक है कहकर उसके साथ चलने लगा। ऐसे दुर्भाग्य और वो मिलकर जंगल में चलते चलते एक जगह पहुंचे। वहाँ जमीन पे एक दरवाजा था। दुर्भाग्य तब किशन इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाओ, अंदर सब सोना ही सोना होगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, मगर वहाँ चाहे कुछ भी हो तुम उसकी बिल्कुल परवाह मत करना, वो सब एक भ्रम है सोचकर, तुम अपना काम देखकर आ जाओ, अगर वो सच है सोचे तो तुम्हें भाग्य नहीं मिलेगा, आज से भाग्य चुंबक के जैसे तुमसे चिपका रहेगा कहा। किशन ठीक है कहकर दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर एक सोने का टनल था, वो उसमें रेंगते हुए जाने लगा। इतने में एक भूत उसके पैर पकड़कर पीछे खींचने लगी कहकर हंसने लगी, मगर किशन ये सब भ्रम है सोचकर, मुझे कोई नहीं खींच रहा है कहकर मन में सोचते ही वो भूत गायब हो गई। ऐसे किशन को बहुत सारा सोना दिखाई दिया, वो सोना लेकर रेंगते हुए लौट कर आ गया। बाहर आने के बाद वो दुर्भाग्य से ये क्या, अंदर सिर्फ सोना ही है बोले थे, मगर अंदर तो हीरे और पैसे भी हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या कहा दुर्भाग्य तब। क्या सच है,
मेरे जानकारी के बगैर वो अंदर कैसे आए? कहकर दरवाजे में झांक कर देखने लगा तो किशन उसे एक लात मारा, बस वो अंदर गिर गया। किशन तुरंत दरवाजा बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर लगाया। बाप रे दुर्भाग्य, तुम्हें ऐसा ही छोड़ा तो फिर से मेरे साथ आकर इस पूरे संपदा को बर्बाद कर देते। तुम्हारा यहाँ पे रहना ही ठीक है, कहकर सोच कर वहाँ से सोना लेकर निकला। ऐसे चंदूलाल के घर के बगल में ही एक बड़ा बंगला बनाकर कार भी खरीदा। उसे और उसके संपदा को देखकर चंदूलाल दंग हो गया। जिसे खाने के लाले पड़े थे वो कमीना इतने पैसे कैसे कमा पाया? इसका कारण कुछ तो है, वो क्या है मुझे पता लगाना होगा। सोचकर किशन के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा। तब किशन और उसकी पत्नी जंगल में के दरवाजे के बारे में बात करते हुए दिखे। वो तो उस दरवाजे के नीचे बहुत सारा सोना है, वो मुझे भी चाहिए, सोचा। ऐसे वो उस दरवाजे को ढूंढते हुए जंगल में आया। उसे वो दरवाजा दिखाई दिया। वो उस पत्थर को निकालकर दरवाजा खोलते ही दुर्भाग्य बाहर आकर मैं कौन हूँ पता है क्या? मैं दुर्भाग्य हूँ, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अंदर सोना वोना कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। अब तक तो तुम्हारी सारी संपत्ति उड़ गई होगी। कहा तो वो, बाप रे तुम दुर्भाग्य हो, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहा दुर्भाग्य, मेरे लिए इतना दूर आकर मुझे छुड़वाए, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा, बोलो। कहकर उसके अंदर चला गया। वो घर आकर देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। जे देखकर वो सर पकड़ लिया।